अगर आपको मछली खाना पसंद है तो आप एक बार जरूर इसको घर पर बनाना। आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो चलिए हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मसाला फिश फ्राई बनाने के लिए पहले मैंने यहाँ पर फिश को अच्छे से साफ करके उसमें नमक और हल्दी डालकर अच्छे से मैंने यहाँ पर मिक्स करके रख ली है। यहाँ पर मैंने 8 से 10 लहसुन, छोटा सा अदरक और 4 हरी मिर्च ली है। लहसुन की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है मछली में। उसको हम ददरा वाला पेस्ट बनाएंगे और मछली में हम डालेंगे। उसके बाद लाल मिर्च डालेंगे आधा चम्मच और फिश मसाला यहाँ पर आधा चम्मच मैंने डाल ली है। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और करी पत्ता हम डालकर अच्छे से मछली को हम मैरिनेट कर लेंगे। अच्छे से मैरिनेट करने के बाद मैंने यहाँ पर आधा कप कॉर्नफ्लावर या 4 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर ली है और 2 चम्मच या आधा कप से थोड़ा कम मैंने यहाँ पर बेसन डाल ली है और उसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा ड्राई लगे तो आप बस थोड़ा सा ही पानी डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं डालना है। उसको हम अच्छे से ही मिक्स कर लेंगे जिससे कि वो कॉर्नफ्लावर और बेसन अच्छे से मिक्स हो जाए मछली में। आप देख सकते हैं कि मछली हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है। उसको हम फ्राई करेंगे। आपको पता है कि फ्राई करने के लिए हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, उसके बाद मछली को एक एक करके डालेंगे और मछली को हमें पूरा डीप फ्राई करना है। इसमें बहुत ही क्रिस्पी लगता है खाने के लिए। आप चाहें तो छान भी सकते हैं, आपको जो पसंद है आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है और पलट लेंगे दूसरे साइड भी होने के लिए। इसको हम अच्छे से ही फ्राई करना है। देखिए यहाँ पर मछली दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी हम उसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये मसाला वाला फिश फ्राई आपको जो पखाड़ भात है, मैंने आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर करी थी, उसमें खाने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और पखाड़ भात के साथ आप ज़रूर खाएं। और कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।